जब कभी अमावस्या हो, जब काली रात आए, जब चांद आपको ना दिखे, उस समय इस मंत्र का जाप 108 बार करें और इस मंत्र की सिद्धि में धूप, लोबान, धुनी और गाय का गोबर ये जलाकर मंत्र करेंगे तो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ये आपको अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक जाप करना है 108 की संख्या में रोज रात्रि को। इसके बाद ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद जब कभी भी आपको कोई ऐसा स्थान दिखे जहाँ पर आपका प्रेमी प्रेमिका हो और उसको आप चाय पिला सकें, तो इस मंत्र को 7 बार किसी भी खाने की वस्तु में अभिमंत्रित करके उसे दे दीजिएगा। इसके बाद सिर्फ एक हफ्ते के भीतर भीतर वो जो भी होगा बस आपके नाम की माला जपता हुआ फिरेगा। किसी भी तरह की जानकारी के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 9999241625 पर। और याद रहे, ये मंत्र सिर्फ एक व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। अगर आपने किसी एक पर लगा दिया और वो काम कर गया, उसके बाद इस मंत्र को भूल जाइएगा, वरना अनिष्ट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो कुछ भी करने से पहले एक बार कंफर्म ज़रूर कीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि इसमें अनिष्ट भी हो सकता है आपका। किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए आपका जो विश्वास है वो अडिग होना चाहिए। अगर आपका ही विश्वास जो है वो डगमगा रहा है तो आप किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर पाओगे। पहले मंत्र की शक्ति पर विश्वास करना सीखे, उसके बाद किसी मंत्र को छेड़िएगा। तो जो भी आप कार्य करें उसको पूरी लगन के साथ कीजिएगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब भी हम कोई धर्म का कार्य पूरी लगन के साथ, पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ नहीं करते तो वो असत हो जाता है, अर्थात वो झूठा कहलाता है। तो जब आप कोई मंत्र सिद्ध करना शुरू करें तो उस पर अपना पूरा जी जान लगा दें, तब जाके इसमें आपको सिद्धि मिलेगी। इसके बाद जब रिजल्ट आए तो मुझे ना भूलिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस मंत्र ने कितना काम किया आपके लिए, क्योंकि आपके इन रिजल्ट्स के आधार पर मैं एक ऐसी बुक बनाने वाला हूँ जिसमें कि सारे मंत्र सिद्ध किए होंगे कि ये काम करते हैं। तो इसमें मेरा सहयोग दें ताकि मैं नए नए मंत्र आपको दे सकूँ। धन्यवाद। हाथ पसारू मुख मलूं, काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी, जग मोहू घर जाऊं।